डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट पर, जहां पर आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड एटूजे जानकारी मिलते रहता है। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करते रहूँगा, लगातार वीडियो आते रहेगा चैनल पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो फॉर्म निकला हुआ था बिहार पॉलिटेक्निक का, उनमें उनका जो एग्ज़ाम है वो 30 जुलाई को होने जा रहा है। ठीक है, तो इनमें अभी ये दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट गलत फॉर्म फिल किए थे, फॉर्म फिल करने में किसी तरह का गलती किए थे, उनको करेक्शन करने का टाइम दिया गया है। ठीक है, और फॉर्म में गलती होने से देखिए, जैसे अभी आप लोग सोचते होंगे कि फॉर्म में इस तरह गलती हो जाएगा और लेकिन उसको कॉलेज में जाके सुधार सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ कुछ ऐसा मिस्टेक है जिनको आप कॉलेज में भी नहीं सुधार सकते हैं, और आपके डिग्री के साथ वो सदा के लिए रह जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए, और ताकि हो सके तो फिर से रीचेक कर लीजिए किसी भी फॉर्म को, और उसके बाद ही आप फिर सबमिट कीजिए, क्योंकि अगर मौका दिया गया है तो आपको उसको यूज करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं साइट को खोल के कि कब से कब तक टाइम दिया गया है और कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कौन सा गलती बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन सा गलती माइनर है, उसको इसके बारे में मैं बात करूँगा वीडियो में। चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। देख सकते हैं ये है BCC बोर्ड का मेन वेबसाइट, और बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा सब इसी वेबसाइट पे रिलीज किया जाता है, और यही ऑफिशियल वेबसाइट है BCC बोर्ड का। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी तरह का न्यूज़ अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप BCC बोर्ड के मेन वेबसाइट पे आकर के और इन सब का मदद से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार पॉलिटेक्निक में जो आप लोगों फॉर्म डाला था 2020 के लिए, तो उनमें कौन कौन सा जो मिस्टेक होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो होता है कैटेगरी, यानी जो स्टूडेंट EBC में रहते हैं फिर भी वो BC1 और BC2 कन्फ्यूजन के कारण कुछ से कुछ डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये जो मिस्टेक है ये आपको कॉलेज में जाने के बाद भी आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। ये मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो उनको फिर से दोबारा से करना पड़ गया था। बाकी आप एफिडेविट लगा के कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को खास करके ध्यान रखें। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और बाकी अपने पिताजी का नाम, माता पिता का नाम, ये सब आप लोग रख ही सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ वाला और ये कैटेगरी वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चूँकि इससे देखिए कैटेगरी जो होता है क्यों दिया जाता है, ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके प्रॉपर। ठीक है, अगर आप लोग गलत डाल देते हैं तो आपको उस तरह का रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, और आपको अच्छे रैंक रहने पर भी आपको कॉलेज एडमिशन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको आते रहेगा आप चैनल पे, और एग्ज़ाम का डेट भी नज़दीक आ गया है, तो मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करवा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा और कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि करेक्शन का डेट दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पॉपअप खुल आ रहा है, ये अटेंशन ऑल कैंडिडेट हु हैव मेड एनी मिस्टेक। ठीक है, जो भी सभी कैंडिडेट जो अभी मिस्टेक किए हुए हैं ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और PPE, इसके लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरते समय जो भी मिस्टेक किए हैं उनको मे कम टू BCC बोर्ड, वो आ सकते हैं BCC बोर्ड पर 20 जुलाई 2022 को 4 बजे तक। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 20 तारीख तक आप जो है कर सकते हैं, खास करके यहाँ पे 20 तारीख को 4 बजे आप लोग यहाँ पर आकर के उससे पहले आकर के उसको देख सकते हैं, हो सके उसके बाद ये लिंक एक्टिव किया जाएगा। देखिए इनका जो यहाँ पे नोटिस है ये देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन डेट इन एडिटिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, बाकी अभी किसी तरह का कोई जारी किया नहीं गया है, तो मैं देखता हूँ कि अगर जारी किया जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि वो डेट दिया गया है, उस डेट पर आकर के ज़रूर एक बार चेक कर लें, अगर किसी तरह का मिस्टेक हो तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर उसको भी आप लोग कनेक्ट कीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट पूछिए, चूँकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 3 साल का कॉलेज का, मैंने पॉलिटेक्निक किया है सिविल ब्रांच से, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा मेरे से। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नेक्स्ट डे।